अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं। तो जनाब, आज बहुत दिनों बाद हम एक और जगह का रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि है जिमखाना हैदराबाद स्विमिंग पूल। जी जनाब, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि जिमखाना का स्विमिंग पूल कैसा है और हमने वहाँ का टाइम कैसा स्पेंड किया और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो जी जनाब, देख सकते हैं आप सब, यहाँ ये जो वाला स्विमिंग पूल है ये बच्चों का है और एक और आपको अभी आगे वीडियो में जाके देखने को मिलेगा वो है बड़ों का स्विमिंग पूल, क्योंकि वो डीप वाटर है और एक ये है जो बच्चे इजीली आराम से आप देख सकते हैं खड़े हुए हुए हैं, ये इतना डीप नहीं है। बच्चे भाई बहुत इंजॉय करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखें, ये बड़ों का स्विमिंग पूल आ गया। बड़े बच्चे और जो एल्डर्स होते हैं वो ये वाला स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं और स्विमिंग भी सीखते हैं। यहाँ पे स्विमर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छी स्विमिंग सिखाते भी हैं आपको, ऊपर से आपका ख्याल भी रखते हैं। तो पीछे की आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऊपर जाके ऊपर वाले फ़र्स्ट फ्लोर पे जाके वीडियो बनाई ताकि मैं अपने व्यूवर्स को आसानी से दोनों स्विमिंग पूल्स को पूरा ओवरव्यू दे सकूं। ये बच्चों का स्विमिंग पूल है, इसमें भी बीच में एक सेंटर लाइन दी हुई है जिसमें एक जगह थोड़ा डीप वाटर है, एक जगह थोड़ा कम है। जहाँ आप देख सकते हैं ये बच्ची जंप करने की कोशिश कर रही है डीप वाटर की तरफ, उस तरफ जो है वो डीप वाटर है और इस तरफ जहाँ अम्ब्रेला है वहाँ थोड़ा सा लाइट वाटर है। अच्छा जी, मतलब एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, स्विमर्स यहाँ पे आपके बच्चों का ख्याल करने के लिए मौजूद होते हैं। कोई बच्चा मतलब किसी को चोट ना लगे, स्लाइड कर रहा है कोई बच्चा तो वो एकदम से स्विमर आ जाएगा, बच्चे का हैंड पकड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को चोट वोट लगने का डर हो। मैं तो इसीलिए अपने बच्चे यहाँ पर छोड़ कर कैंटीन की तरफ भी चली गई थी क्योंकि मुझे था कि ये स्विमर्स अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे भी स्विमर्स मौजूद होते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं आसपास स्विमिंग पूल के, ये सारे स्विमर्स हैं, ये हर किसी पे नज़र रख रहे होते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, कोई मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करता, आराम से आप अपना प्राइवेसी में भी मतलब एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है यहाँ का। अच्छा जी, ये ऊपर का फ्लोर जहाँ मैं थी वहाँ की मैंने एक वीडियो बनाई, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सनसेट, बहुत मज़ा सा आता है सनसेट एंजॉय करने का यहाँ पे। यहाँ पे कैंटीन भी अवेलेबल है, बच्चे फ्राइज़ जूस वगैरह यहाँ से बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। अच्छा जी, अगर हम बात करें यहाँ की मेंबरशिप के लिए, यहाँ पर हर कोई ईज़िली नहीं जा सकता, यहाँ की मेम्बरशिप ज़रूरी होती है जिमखाना हैदराबाद की, वरना वो आपको अलाउड इस तरीके से नहीं करते। तो मेंबरशिप का ये है प्रोसेस कि कोई भी बिजनेसमैन नॉर्मल जो भी हैं उनके लिए 10 लाख है, गवर्नमेंट ऑफिसर 18 स्केल के लिए 5 लाख है, उनको ये अमाउंट यहाँ पे सबमिट करवा के और जो भी इंफॉर्मेशन और प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करवा के ही वो अपनी मेंबरशिप करवा सकते हैं और यहाँ की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं लाइक स्विमिंग पूल, और यहाँ बहुत सारे गेम्स हैं लाइक टेबल टेनिस और क्रिकेट के लिए ग्राउंड मौजूद है, कॉन्सर्ट होते रहते हैं आए दिन। बहुत मज़े की एक चीज़ है हैदराबाद में जहाँ आपको अंदर जाके तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, जिम, हर चीज़ मिल सकती है। लेडीज़ का जिम अलग है, जेंट्स का जिम सेपरेट है, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, हर किस्म की आपको यहाँ एक्टिविटीज़ मिलेंगी। और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, वो एक इंटरप करने वाली जो बात होती है वो यहाँ पे नहीं है, सब अपने काम से काम रखते हैं, अपना आते हैं, अपना इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। पार्किंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, पार्किंग थोड़ी मुझे जो लगा पर्सनली कि बहुत कम जगह है ना पार्किंग की, लाइक बहुत मुश्किल से आपको पार्किंग के लिए गाड़ी
की पार्किंग के लिए जगह मिलती है। खैर मिल जाए तो फिर अंदर आके आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। टाइमिंग्स का आपको आइडिया हो जाता है डेली डेली जाने के बाद। और ये जी मगरब का टाइम हो गया था, यहाँ की लाइट्स ऑन हो गई थी। आज ये अम्ब्रेला का शावर जो था वो ऑफ था, लेकिन अक्सर ये ओपन होता है यहाँ बच्चों की स्लाइड्स। अच्छा ये हम आ गए हैं बड़ों के स्विमिंग पूल की तरफ। ये यहाँ पे एक बना हुआ भी, बच्चे जंप करके नीचे जाते हैं। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं जो कि हैदराबाद में बाकी जगहों पर मौजूद नहीं हैं। और इन्वायरमेंट बहुत सिक्योर है, हर चीज़ आप